अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेमन लूफ केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं 1 कप कास्टर्ड शुगर डाल लूँगी और साथ में 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जेस्ट डाल लूँगी। इन सबको मैं अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो जेस्ट है लेमन जेस्ट, उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए शुगर के अंदर। अब मैं साथ में इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस डाल दूंगी, फ्रेश लेमन जूस है ये। इसका स्वाद अब शुगर और लेमन जेस्ट और लेमन का अच्छा एक मिक्सचर सा बन जाएगा। ये अब मैंने इसके अंदर योगर्ट डाल दिए। आपको सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। योगर्ट जो है वो काफ़ी आपके केक को सॉफ्ट बनाती है। अब इसके बाद मैंने 2 एग्स ले लिए हैं, वो मैंने डाल लिए हैं। इनको विस्क की हेल्प से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। इसके अंदर बीटर का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसको कोई ओवर मिक्स नहीं करना। अब मैं इसके अंदर तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। ये मैंने पहले सिफ्ट करके रख लिए थे, ऑल पर्पज़ फ्लावर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस। इनको मैं हाफ हाफ करके डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जितने पाउडर इंग्रेडिएंट्स हैं इनका कोई लम्स ना रहे, और इनको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसका सेकंड बैच डाल दूँगी, सारा कंप्लीट जितना मैंने रखा हुआ था। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप मिल्क डाल रही हूँ। ये आप मेरा मिक्सचर सारा देख सकते हैं कैसे मिक्स हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये होनी चाहिए। अब मैं इसको इस लूफ मोल्ड में डाल दूंगी। अब मैं इसको ओवन में रखने वाली हूँ 180 डिग्रीज पे फॉर 40 मिनट्स। मैं यहाँ पे शुगर सिरप बनाने लगी हूँ कास्टर्ड शुगर और वाटर के साथ। इसके अंदर अब मैं लेमन जूस डालूंगी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। ये मैंने इसके सारे सीड्स निकाल दिए। अब मैं इसको अच्छे से स्टर कर लूँगी ताकि ये अच्छा सा एक सिरप बन जाए, मीठा सिरप। अब मैं यहाँ पे शुगर के उसकी आइसिंग बनाने लगी हूँ। मैंने कास्टर्ड शुगर लिया, 2 टेबल स्पून ऑफ कास्टर्ड शुगर, 1 टीस्पून ऑफ मिल्क ले लूँगी मैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये मेरा पेस्ट कितना थिक हो गया था, मुझे थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं इसका थोड़ा सा और मिल्क डाल के इसकी थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी रखूँगी। आफ्टर 40 मिनट्स आप देख सकते हैं मेरा केक बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसकी बैक साइड। अब मैं इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर शुगर सिरप, मैं फॉक की हेल्प से इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर लूंगी ताकि जो मेरा शुगर सिरप है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ऑब्जर्व हो सके। अब मैं इसके ऊपर अपनी सारी आइसिंग पोर कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं ये कितना मजे का लग रहा है, ये उतना ही इसका मजे का टेस्ट भी होता है। इट्स सो डिलिशियस, आपको ये जरूर बनाना चाहिए टी टाइम स्नैक। अब मैं इसके ऊपर लेमन जेस्ट डाल रही हूँ। इट्स टाइम टू टेस्ट नाउ। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना चुई बना है। आपको ये केक ज़रूर ट्राई करना चाहिए
और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका केक कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह कैच यू इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Too good.